औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में कौशल विकास मिशन और ITI के छात्रों के अप्रेंटिस के संबंध में एक बैठक मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव, लीड बैंक के प्रबंधक महेश गुप्ता, ITI के प्रधानाचार्य सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और औद्योगिक संस्थान के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में ITI प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिस कराए जाने, कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में CDO ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र अभ्यर्थी प्रशिक्षण से वंचित ना रह जाए। कम से कम 15-20 टका पे एप्लीकेशन है, आप लोगों से जूट ने भी रखा है, ये लोग आए हैं और कौन कौन है यहाँ पे, प्राइवेट से कौन है, एक और क्वेश्चन है, महावीर साहब ने भी रखा हुआ है, आप लोग और बढ़ा रहा, महावीर के अलावा और कोई है? मैडम आप भी इसको थोड़ा फॉलो अप कीजिए, ठीक है, जो भी आपके नेक्स्ट एरिया में जो प्राइवेट वाले हैं से कहा, मैंने कहा है वो हमको दे देंगे, तो उनको हम जो है चिट्ठी भेज करके और ओनर को हम रिस्पेक्ट करेंगे, ओनर का प्रयास करेंगे। मैं आपके जो इंडस्ट्रीज है उनको भी कीजिए साथ में, आप CEO गीडा से भी आप कॉर्डिनेट कर लीजिए, दोनों की कमांड मंगवा के आप उनको दे दीजिए, आप उनसे फॉलो अप करके रजिस्टर करवा लेंगे। और जो प्राइवेट हैं की व्यवस्था है, 1,000 रुपया पर डे पेनाल्टी की व्यवस्था है, एक तरीके की नोटिस जारी करने के बाद 1 महीने के अंदर अगर नहीं रखते हैं, एक बार सबको एक मौका दें। जी सर, एक 26 को ऐसा कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए उन्होंने लिख दिया के रखी है सर, ठीक है, आपका कहना है प्रिंसिपल ITI का कि पहले सर को रखवाइए, ये कानूनी बाध्यता है और इसमें पेनाल्टी का भी प्रोविजन है, ठीक है, तो अगर इस एक्ट में प्रोविजन है और कुछ शासन इसके लिए बाध्य कर रही है तो आप लोगों को भी उसमें कॉपरेट करना पड़ेगा, आप लोग अपना शासन से मंगवाइए, उनसे मार्ग निर्देश लीजिए और हम लोग भी मांगते हैं, लेकिन इस बात को सब लोग मान के चले कि इस वाले सत्र में अप्रेंटिस जितना आपने लिखा हुआ है उतना रखवाना है, टोटल जो हमारी संख्या अभी रजिस्टर्ड है वो मात्र 364 है, इसे हमें बढ़ा के अराउंड 600 करना है, PWD है, CNO है, आप हैं, बाकी तो आप लिखेंगे लोग भगवान साहब को, हमने MD साहब को मैं पत्र आज के संदर्भ के घर पर लिख देता हूँ।